नाजरीन आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। नाजरीन आपको ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज से आकर चले के नवाब शाह सकरन कौमी शाहरा पर 5 मील स्टॉप पर कराची से पिशावर जाते हुए 40,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर कल्टी होकर साइट पर खेतों में जा गिरा, जहां टैंकर से ऑयल निकलना शुरू हो गया। इतला मिलते ही सकरन पुलिस SHO हबीबुर रहमान लशारी पुलिस की नफरी और फायर ब्रिगेड के हमरा जाए हादसा पर पहुंचकर ट्रैफिक को उत्पादन शाहरा पर डाला और आवाम को पेट्रोल के असरात से दूर रखने के लिए पुलिस का दायरे में पहरा लगा दिया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जाए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया, जिसमें 30 साल ड्राइवर मोहम्मद रहीम और क्लीनर ताहिर खान पठान जिनका ताल्लुक लंदी कोटल से है जख्मी हो गए, जिन्हें हमदर्द एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल सकरन पहुंचाया गया, जहां ताहिर खान को सर पर चोट की वजह से नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मोटरवे पुलिस वाकये के 2 घंटे के बाद हादसे पर पहुंची। सेक्टर कमांडर सज्जाद हुसैन भट्टी ने ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि कोई कमेटी ना होने की वजह से इस किस्म के सानहात की जिम्मेदारी भी पुलिस पर आ जाती है, जबकि पेट्रोल का मामला इंतहाई हसास होता है। गवर्नमेंट को कोई टीम बनानी चाहिए जो कि अगर कहीं ऑयल टैंकर कल्टी हो तो मामले की जांच और इससे निमटने के इंतजाम करे, क्योंकि अभी टैंकर में गैस भी होगी, हम अभी पेट्रोल दूसरी गाड़ी में मुंतकिल नहीं कर सकते। जब वो सेट हो जाएगा तो पेट्रोल इससे दूसरे टैंकर में मुंतकिल किया जाएगा। नाज़रीन आप ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल की स्क्रीन पर ये मनाज़िर देख सकते हैं। ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.AAASKY1NewsChannelHD.webs.com। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। अल्लाह हाफिज़।